हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन मित्रा हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं CRT टीवी की रिपेयरिंग, और आप यहां पे देख सकते हो दोस्तों यहां पे इस कलर टीवी में क्या फॉल्ट है। और ये कलर टीवी है दोस्तों अपट्रॉन कंपनी का, यहाँ पे अपट्रॉन लिखा हुआ है। और इसका जो फॉल्ट है दोस्तों, इसका टीवी हाफ स्क्रीन आ रहा है, ऊपर का जो पोर्शन है टीवी का स्क्रीन का, इसके हाफ स्क्रीन पे दोस्तों रास्टर आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। और इसके रास्टर में दोस्तों यहाँ पे ब्लू कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर का यहाँ पे धब्बे दिख रहे हैं, पैच दिख रहे हैं। और इस तरह का दोस्तों ये फॉल्ट है। तो ये दोस्तों कौन से सेक्शन का फॉल्ट है और कौन से कंपोनेंट की ख़राबी से ये फॉल्ट आ रहा है, इसको जानने के लिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और ये वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। तो देखिए दोस्तों, ये इसका PCB है, ये इसका कंपोनेंट्स लगे दोस्तों, ये मेन IC यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे आप इसका नंबर देख सकते हैं। और ये दोस्तों ट्यूनर लगा हुआ है, और यहाँ पे एक साउंड सेक्शन के लिए IC लगा हुआ है, और ये इसका वर्टिकल IC लगा हुआ है, और यहाँ पे आउटपुट ट्रांजिस्टर लगे हैं और कैपेसिटर, बूस्ट कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई फॉल्ट ठीक करना है, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन से सेक्शन का फॉल्ट है, कौन से कंपोनेंट की ख़राबी से ये फॉल्ट है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको सभी बेसिक वोल्टेज को चेक करना है। अगर कहीं पर भी बहुत ज़्यादा या कम वोल्टेज आपको मिल रहा हो तो आपको टेस्टिंग करना है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले ब्लैक प्रॉब है उसको हम ग्राउंड कर देते हैं। पिक्चर ट्यूब का जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, तो यहाँ पे हम इसको रख देते हैं परमानेंट, यहाँ पे ग्राउंडिंग इसको मिलता रहेगा। और उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पे आउटपुट इसके वोल्टेज को चेक कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने मल्टीमीटर को 200 वोल्ट DC की रेंज पर सिलेक्ट कर दिया है। अब हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये है दोस्तों 110 वोल्ट DC का लाइन, यहाँ पे 111 वोल्ट मिल रहा है, तो 110 वोल्ट की लाइन हमारा सही है। और ये दोस्तों यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा के ESC ट्रांसफार्मर को चला जाता है। और इसका जो दूसरा वोल्टेज है दोस्तों, यहाँ पे 13.8 वोल्ट मिल रहे हैं, लगभग 14 वोल्ट के करीब यहाँ पे मिल रहा है। और ये वोल्टेज हमारा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे ड्राइवर ट्रांसफार्मर में। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो यहाँ पे 12.9 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। इसके बाद हम अगली वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लगभग 10 वोल्ट के करीब यहाँ मिल रहा है, 9.5 वोल्ट मिल रहा है दोस्तों। और इसके बाद यहाँ पे जो साउंड सेक्शन के लिए, यहाँ पे हमें 17.4 वोल्ट मिल रहा है, 18 वोल्ट के करीब मिल रहा है। तो ये साउंड सेक्शन के लिए यहाँ पे मिल रहा है वोल्टेज। तो दोस्तों ये जो वोल्टेज है वो सभी वोल्टेज सही हैं, और यहाँ पे 110 वोल्ट सही है, और ये यहाँ पे दोस्तों ESD पे जा रहा है, और यहाँ पे आउटपुट ट्रांजिस्टर पे जा रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्विचिंग होता है आउटपुट ट्रांजिस्टर पे, तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं दिखाएगा, और ESD हमारा सही काम कर रहा है। और यहाँ पे 180 वोल्ट DC बन रहा है, जो कि यहाँ पे हमें CRT बेस में जो वीडियो के ट्रांजिस्टर हैं RGB के, यहाँ पे उनको सप्लाई देने के लिए यहाँ पे सही पहुँच रहा है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम वर्टिकल IC पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 16 वोल्ट के करीब वोल्टेज मिल रहा है, और इस पिन पे यहाँ पे -12 वोल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों ये जो वोल्टेज है ये 16 वोल्ट के करीब आ रहा है इस पिन पे, और यहाँ पे -12 वोल्ट मिल रहा है, और ये 13 वोल्ट यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों ये जो वर्टिकल IC को सप्लाई मिल रहा है, ये ESD सेक्शन से मिल रहा है। तो ESD सेक्शन से जब वोल्टेज मिलते हैं, तो ESD सेक्शन से वर्टिकल IC के लिए +14 वोल्ट और -14 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे प्लस जो 14 वोल्ट की सप्लाई है लगभग वो सही पहुँच रहा है, लेकिन यहाँ पे -14 वोल्ट की सप्लाई जो है वो 2 वोल्ट के करीब कम पहुँच रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये -12.4 यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज कम बन रहा है।
और ये लगभग 14 वोल्ट के करीब मिल रहा है, जो प्लस हमारा 14 वोल्ट है। तो दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पर हमें दिख रहा है माइनस 14 वोल्ट की लाइन पे, तो हमें इसको सही करना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसका माइनस 14 वोल्ट का यहाँ पे ट्रैक है, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है और यही ट्रैक इसका जा रहा है माइनस 12 वोल्ट का है, यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ पे माइनस 14 वोल्ट पहुँचना चाहिए। तो दोस्तों ये जो माइनस 14 वोल्ट का लाइन है, तो हो सकता है दोस्तों इसका कैपेसिटर कमज़ोर हो, इस कारण से यहाँ पे पूरे वोल्टेज नहीं बन रहे हैं, जिस कारण से दोस्तों वर्टिकल ऐसे पूरा काम नहीं कर रहा है और इसी कारण से हो सकता है इसका पिक्चर हाफ दिख रहा है। तो दोस्तों हम इस कैपेसिटर को यहाँ से निकाल देंगे पीसीबी से और इसके जगह पे नया कैपेसिटर रिप्लेस करेंगे और उसके बाद हम वोल्टेज चेक करेंगे और देखेंगे हमारा फॉल्ट ठीक होता है कि नहीं होता है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने कैपेसिटर को पीसीबी से बाहर अब निकाल दिया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कैपेसिटर हमने निकाला है बाहर। अब हम इसको रिप्लेस करके देखेंगे हमारा वोल्टेज सही होता है कि नहीं होता है और हमारा फॉल्ट क्लियर होता है कि नहीं। तो ये यहाँ पे लगा हुआ है 100 माइक्रोफेरेट 25 वोल्ट का, तो लगभग यहाँ पे 470 माइक्रोफेरेट 25 वोल्ट तक का हम यहाँ पे कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे 470 माइक्रोफेरेट 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पे वोल्टेज देख लेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे 100 माइक्रोफेरेट का भी लगा सकते थे, तो हमने यहाँ पे 470 का लगा दिया है, तो ज़्यादा बेटर है। ज़्यादातर यहाँ पे 470 माइक्रोफेरेट 25 वोल्ट का ही कैपेसिटर लगा होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने कैपेसिटर को सोल्डर कर दिया है। अब हम इसकी वोल्टेज की टेस्टिंग करेंगे, हमारा वोल्टेज सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है और इसमें जितने भी फॉल्ट दिख रहे हैं इस टीवी में, वो क्लियर होता है कि नहीं होता है। तो अब हम दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। टीवी को हमने ऑन कर दिया है और मल्टीमीटर को 200 वोल्ट डीसी की रेंज पे सिलेक्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें माइनस 12 वोल्ट मिल रहा था, अब यहाँ पे हमें माइनस 14 वोल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, कैपेसिटर चेंज करने के बाद हमारा वोल्टेज यहाँ पे सही हो गया है और इन दो पिनों पे दोस्तों हमें 14 वोल्ट हमें प्लस में मिल रहा है। तो ये वोल्टेज हमारा दोस्तों सही हो चुका है और यहाँ पे भी देखिए, ये कैपेसिटर हमने चेंज किया है तो यहाँ पे हमें 14 वोल्ट मिल गए माइनस में और यहाँ पे डायोड पे भी हमें 14 वोल्ट दिखा रहा है और इसका प्लस 14 वोल्ट का यहाँ पे डायोड है। तो दोस्तों हमारा जो वर्टिकल का जो सप्लाई था, जो कम पहुँच रहा था, 2 वोल्ट कम पहुँच रहा था, वो पूरा हो गया है। और अब हम टीवी स्क्रीन की ओर बढ़ते हैं और टीवी स्क्रीन पे देखते हैं हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर हुआ है कि नहीं। टीवी हाफ स्क्रीन दिख रहा था और इसमें लाल, नीले रंग और हरे रंग के पैच पड़ रहे थे, धब्बे पड़ रहे थे, तो ये फॉल्ट हमारा क्लियर हुआ है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों टीवी स्क्रीन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हमारा टीवी का स्क्रीन पहले हाफ स्क्रीन दिखाई दे रहा था, वो फुल स्क्रीन दिख रहा है। तो ये जो हमने कैपेसिटर चेंज किया है उसकी वजह से हमारा टीवी फुल स्क्रीन हो गया, लेकिन इसमें जो पहले भी ये फॉल्ट दिख रहा था, यहाँ पे रेड, ब्लू और ग्रीन कलर के पैच दिख रहे थे, वो अभी भी दिख रहे हैं। तो दोस्तों ये जो पैच हैं वो हमारा पीटीसी और डिगाजिंग कॉइल की वजह से होता है। तो इसको दोस्तों हमें चेक करना है कि हमारा पीटीसी और डिगाजिंग कॉइल सही काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर ये सही काम नहीं करेगा तो पिक्चर ट्यूब में दोस्तों जो भी मैग्नेटिक फील्ड उसके कॉन्टैक्ट में आएगा, तो उस कारण से यहाँ पर पिक्चर दोस्तों ख़राब हो जाएगा, हमारा कलर पैच हो जाएगा। तो ये है दोस्तों डिगाजिंग कॉइल, जो पिक्चर ट्यूब पे, पूरी पिक्चर ट्यूब पे यहाँ पे लगा रहता है, जो इसको डीमैग्नेटाइज करता है। तो इसका एक और कंपोनेंट है दोस्तों पीटीसी, इन दोनों के ज़रिए ये काम करता है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये पीटीसी का जैक लगा देना है और उसके बाद दोस्तों टीवी को ऑन करके हमें एक्सटर्नल जो डिगाजिंग कॉइल है हमारे पास, ये वाला जो इसका पैच रिमूव करने के लिए है, इसको ऑन करके इसके पिक्चर ट्यूब के सामने में फेरना है दोस्तों उसको, ताकि इस मैग्नेटिक फील्ड से इसका जो पैच है वो निकल जाए। लेकिन दोस्तों हमने इसको डिगाजिंग कॉइल एक्सटर्नल लगाने के बाद भी यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका जो पैच है वो क्लियर नहीं हुआ, साफ़ नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि दोस्तों इसका जो अंदर का जो
पीटीसी और जो डिगाजी वो सही काम नहीं कर रहा है, नहीं तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक इसका जो पैच है वो क्लियर हो जाता। तो दोस्तों इसके लिए हमें चेक करना है कि हमारा पीटीसी ख़राब है या डिगाजिंग कॉइल ख़राब है अंदर का। तो हम मल्टीमीटर को बीप और बजर की रेंज पे लगा देंगे और जो डिगाजिंग कॉइल का जैक है उसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमें कंटिन्यूटी मिल रहा है और इसका मतलब है पीटीसी हमारा ख़राब हो सकता है, डिगाजिंग कॉइल सही है। तो इस पीटीसी को दोस्तों हम चेक करेंगे। तो ये नॉर्मल पोजिशन में दोस्तों लगभग 20 का रेटिंग दिखाएगा, 20 ओम्स के करीब दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये पीटीसी पे हम जब चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं दिखा रहा है। तो इस पीटीसी को हमें बाहर निकाल के फिर से चेक कर लेना है और अगर ये ख़राब निकलता है तो उसको हम रिप्लेस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों इस पीटीसी को हम पीसीबी से बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों अब हमने इस पीटीसी को बाहर निकाल दिया है, अब एक बार फिर से इसको चेक कर लेंगे मल्टीमीटर से। तो दोस्तों ये हमने मल्टीमीटर को फिर से ऑन कर दिया है। तो देखिए दोस्तों ये बाहर निकालने के बाद भी कोई यहाँ पे रीडिंग नहीं दिखा रहा है, तो ये पीटीसी हमारा ख़राब है, जिस कारण से इसका जो पैच है वो टीवी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये डीमैग्नेटाइज नहीं हो पा रहा है। तो इसको हम चेंज कर देंगे। तो हमारे पास दोस्तों ये एक पुराने किट से हमने जो पीटीसी निकाला है उसको हम लगा देंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये सही काम कर रहा है, इसका रीडिंग लगभग 18 ओम्स आ रहा है, तो ये पीटीसी सही है। इस पीटीसी को हम इस किट में लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम पीटीसी को लगा देंगे और इसके बाद हम इसके पिन्स को हम सोल्डर कर देंगे। और इसके बाद दोस्तों हमें फिर से चेक करके देखना है कि हमारा पैच रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमने दोस्तों पीटीसी को सोल्डर कर दिया है, अब हमें दोस्तों इसको ऑन करके देखना है। अब हम दोस्तों इसका जो डिगाजिंग कॉइल का वायर है इसको हम कनेक्ट कर देते हैं और टीवी को ऑन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने टीवी को ऑन कर दिया है, अब हम टीवी के स्क्रीन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये हमारा जो टीवी का स्क्रीन है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, यहाँ पे कोई भी कलर का पैच यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर स्क्रीन दिख रहा है। तो दोस्तों पीटीसी की ख़राबी की वजह से दोस्तों इसमें जो कलर पैच दिखाई दे रहे थे वो भी क्लियर हो चुका है और इसका जो टीवी का जो हाफ स्क्रीन दिखाई दे रहा था वो भी फॉल्ट क्लियर हो गया। तो इस तरह से दोस्तों इस टीवी में हमें दो तरह के फॉल्ट नज़र आए और दोनों फॉल्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो इसी प्रकार दोस्तों आप भी टीवी को बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे इसके पिक्चर भी बिल्कुल सही चल रहे हैं, बिल्कुल क्लियर आ रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप वोल्टेज चेक करके टीवी को बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। अगर कोई भी वोल्टेज आपको बहुत ज़्यादा या कम नज़र आए तो उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस टीवी में ये दो कंपोनेंट्स ख़राब थे, एक कैपेसिटर और पीटीसी, इन दोनों की वजह से दोस्तों यहाँ पे फॉल्ट आ रहे थे। कैपेसिटर की वजह से टीवी का स्क्रीन यहाँ पे छोटा दिखाई दे रहा था क्योंकि ये वर्टिकल आईसी की सप्लाई लाइन में लगा हुआ था, वर्टिकल को पूरी सप्लाई नहीं मिल रहा था। और इस पीटीसी की ख़राबी से दोस्तों इसका जो डिगाजिंग कॉइल का डिगाजिंग सर्किट है दोस्तों वो डीमैग्नेटाइज नहीं कर पा रहा था, जो इसके पिक्चर ट्यूब के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनते थे उसको रिमूव नहीं कर पा रहा था, जिस कारण से इसके पिक्चर ट्यूब में जो पैच दिखाई दे रहे थे। तो दोस्तों इस तरह से हमने दोनों फॉल्ट को क्लियर कर दिए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना।